उत्तराखंड के टनल में फंसे आरा के मजदूर सबाह अहमद उर्फ सैफ के परिवार वाले बेटे के सकुशल लौटने का कर रहे हैं इंतजार। माँ और पिता के आंखों से निकल रहे हैं आंसू, सरकार पर है उम्मीद की नींद। भोजपुर का रहने वाला युवक आज देहरादून के उत्तरकाशी के टनल में पिछले 9 दिनों से फंसा है। हजारों किलोमीटर दूर उधर टनल में फंसे युवक की सांस अटकी और इधर उसके पूरे परिवार की उम्मीद सिर्फ इस खबर पर टिकी है कि कहीं से खबर मिले कि उनके घर का इकलौता कमाने वाला सदस्य सुरक्षित टनल से बाहर निकल गया। मोबाइल पर बेटे की आवाज़ सुनने के बाद उम्मीद तो बरकरार है, लेकिन एक एक दिन बीतने के साथ इंतजार लंबा होता जा रहा है। भोजपुर के सहार प्रखंड के पेऊ गांव के 32 वर्षीय सबाह अहमद उर्फ सैफ के पिता मिसबाह अहमद का घर के दरवाजे पर ही अधिकांश समय इस उम्मीद से गुजर रहा है कि कोई तो अच्छी खबर लेकर आए। लोग हर रोज दे रहे केवल दिलासा। सुरंग में फंसे भोजपुर के पेऊ गांव के सबाह अहमद उर्फ सैफ के पिता मिसबाह अहमद बताते हैं कि उनका बेटा उत्तराखंड में सड़क परियोजना में काम कर रही नवयोगा कंपनी में पर्यवेक्षक है। 8 दिनों पहले जब वहां सुरंग हादसे की खबर आई तो परिवार में कोहराम मच गया। अगले दिन उन्हें वाकी टाकी की रिकॉर्डिंग की बेटे की आवाज़ घटनास्थल के पास से मोबाइल पर सुनाई गई। तब जाकर सुकून मिला। भरोसा दिया गया कि 1 से 2 दिन में सभी कामगारों को सुरंग से सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हो सका है। उन्होंने बताया कि सबाह का चचेरा भाई भी उसी कंपनी में दूसरी जगह काम करता है, उसी के जरिए वहाँ की गतिविधियों की जानकारी मिल रही है। हमसे बात हुई थी, ड्यूटी हो गए थे, हमसे बात हुई थी यही कि लास्ट नाइट आज जो है हम ड्यूटी जा रहे हैं और कल दीपावली है, छुट्टी मतलब रेस्ट होगा, उसके बाद डे ड्यूटी होगी। तो उसी समय जो है टनल जब गिरा, हमारी बात जो है मोबाइल से हो नहीं रही थी, तो उनके साथ जो लड़का काम कर रहा था वो बाहर आया, उससे हमको सारी बात मालूम हुई। और अभी तक तो हमको वहाँ से यही है जानकारी मिल रही है, जो लड़का भतीजा मेरा गया है वहाँ पर, कि रेस्क्यू का काम चल रहा है, खाना पानी उनको मिल रहा है अंदर। अब प्रशासन, बाकी वहाँ प्रशासन क्या कर रहा है, वहाँ की सरकार क्या कर रही है, कंपनी क्या कर रही है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए कि आज 10 दिन का मामला ये है, हम लोग की हालत बहुत जो है पस्त है, एकदम खराब हालत में है। अब हम क्या बताएं, बताने की स्थिति में नहीं है हम लोग। बेटा आपका क्या करते थे वहाँ पे? वहाँ पर मेरा लड़का जो है सेफ्टी सुपरवाइजर था जी। बात हुई थी तो क्या बोल रहे थे आने के लिए? जनवरी में उनका प्रोग्राम था यहाँ आने के लिए, डेढ़ महीना पहले, 2 महीना पहले वो आए थे, तो बोले कि जनवरी में आएंगे। रेस्क्यू टीम लगातार सरकार दावा कर रही है कि बहुत जल्द जो फंसे लोग हैं निकाल लिया जाएगा। हाँ, तो हम टीवी पर देख रहे हैं, मगर अब क्या दावा है और क्या सरकार कर रही है हमारे समझ में बात आ नहीं रही है। इसलिए 10 दिन का मामला हो गया, बताइए क्या कर रही है कंपनी, क्या कर रही है सरकार, हमारे समझ में बात नहीं आ रही है। बेटे के खैरियत के लिए दुआ कर रहे हैं। हाँ, बेटे की खैरियत के लिए तो अब भगवान है, खुदा है, वही है, दुआ कर रहे हैं हम लोग। उसकी माँ बहुत परेशान है, हार्ट पेशेंट है, वाइफ परेशान है, 3-3 बच्चे हैं, सब परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से कहेंगे कि मेरा बच्चा जल्द से जल्द रेस्क्यू करके निकाला जाए, और हमारी बहू है, उसके वहाँ 3-3 पोता है, 2-2 पोता है, 1 पोती है, बहू है, उसको रिलीफ दिया जाए कि वो उन लोग को कुछ रिलीफ मिले। बहुत बुरी हाल है उन लोग की। हमको बेटा चाहिए, बहू को चाहिए रिलीफ। क्या नाम है? मेरा नाम मिसबाह अहमद है। नल में फंसे हैं। हाँ, जल्द से जल्द निकल जाए जी। सरकार से क्या मांग कर रही है? सरकार से हम कोई भी मांग नहीं कर रहे, मेरा बस बच्चा निकल जाए। सरकार जल्दी से जल्द जल्द से जल्द मेरा बच्चा सब जितने हैं सब निकल जाए, ये हम दुआ हम कर रहे हैं। आपकी बात हुई थी कि नहीं? हुई थी। क्या शाम के हम जा रहे हैं ड्यूटी पर, हमें
उसके बाद कब मालूम चला क्या? उसके बाद मालूम, फोन करते करते नहीं मोबाइल लगे तब मालूम हुआ कि टनल में फंसे हुए हैं। दुआ मांग रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहनाज बेगम नाम है।